हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पंचकुला के सेक्टर 3 में बने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एथलीट्स के लिए बने ग्राउंड में खेलने से मना करने का मामला सामने आया। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी सुमन सैनी वहां आने वाले खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मना कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला स्पोर्ट ऑफिसर प्रैक्टिस को लेकर समय की पाबंदी लगाई गई है, जबकि खिलाड़ी अपना समय निकालकर यहां प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जिला स्पोर्ट्स अधिकारी ने यह कह दिया है कि 9 बजे के बाद वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। डीएसओ मैडम जो है इस ग्राउंड की, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। वो बोलती हैं कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते 9 बजे के बाद जी। तो सर हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कब करें? सुबह के टाइम यहाँ पे इतने लोग वॉकिंग के लिए आते हैं नॉन एथलीट, वो हमारी रेपुटेशन के बीच में आते हैं। यहाँ पे सारे इंडिया प्लेयर हैं, कम से कम यहाँ पे 10-12 इंडिया प्लेयर हैं इस ग्राउंड के अंदर अंदर, और नेशनल में मेडल हैं सबके कम से कम 200 इस ग्राउंड से। तो बोलती हैं आपके टाइम हर टाइम कोच होना चाहिए। एथलीट को प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, अभी जैसे इन्होंने बताया ही है, और ऊपर से कोच को और हमें भी धमकियां देते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये लगा लो कि बिल्कुल तानाशाह जैसे कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में हाल है, ग्राउंड में भी ऐसे ही हो गया। टाइम पाबंदी लगा दिया गया कि यहाँ पे अब पार्किंग है कि यहाँ पे बाइक नहीं खड़ी करनी, ऊपर से हॉस्टल तो है ही नहीं यहाँ खिलाड़ी के पास। आप ये बताओ कि अगर ग्राउंड इतने प्लेयर दे रहा है तो प्रैक्टिस करके ही दे रहा होगा ना, कि उनके साथ बार बार फोटो खिंचवा के कि मैंने उसको फोटो सेंड करनी है, वर्कआउट कौन क्या कर रहा है, अटेंडेंस लेते हैं कोच के आके। अब कोच वर्कआउट करवाएगा या उसकी बात सुन के उसके पीछे पीछे घूमता फिरेगा? यहाँ के टॉयलेट नहीं खुलते, इक्विपमेंट्स नहीं है, और बदतमीज से बात करी थी, हाथ उठाने के आ गई खिलाड़ियों पे। और शायद वो लेडियां इसलिए ज्यादा फायदा उठाती हैं, लड़कों को तो बोलने ही नहीं देती किसी को जी। और यहाँ पे आप देख लेना, एक भी इक्विपमेंट ठीक नहीं है, प्लेटें सारी टूटी पड़ी है, रोड टूटी पड़ी है हमारी, नाले बिल्कुल साफ नहीं है। अब मच्छर काटेंगे, मलेरिया हमें लगेगा, बाहर वालों को तो नहीं लगेगा, खुद तो जाके वो सो जाएंगे अच्छे रूम में। आप देख लीजिए ना, ठीक है, यहाँ पे देख लो, और ऊपर से लाइट की भी प्रॉब्लम है, एक भी लाइट नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब हमारे लिए रूल है, लेकिन जो वो